यो व्हाट्स अप गाइस, की हालचाल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और अभी मैं जा रहा हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट काम करने जिसका नाम है मोटर बंद करना। और आपने नोटिस करा होगा, जो रिटायर्ड अंकल होते हैं ना, वो उनका सुबह उठ के सबसे पहला काम होता है मोटर ऑन करना, ऑफ करना। उसके बाद वो एक चाय के साथ अपना पूरा अखबार चाट जाते हैं और अखबार में देखते हैं कि दुनिया के लड़कों ने क्या क्या कर लिया है और क्या क्या चीज़ें हो गई हैं। तो उसके बाद वो देखते हैं अपने बच्चे की तरफ जो चैन से सो रहा है। तो उनको वो होता नहीं है, वो कह रहे हैं ये चैन से कैसे सो रहा है भाई। उनके दिमाग में पैराडॉक्स हो जाता है पूरा कि भाई ये चैन से कैसे सो रहा है भाई, इसको उठाना पड़ेगा, उसको उठाना पड़ेगा। और फिर वो जाते हैं उसके कमरे में, उसका फैन ऑफ कर देते हैं। और उसके बाद वो उसके आसपास ना फ़ोन पे तेज तेज से बातें करते हैं अपने फ्रेंड से, पता नहीं किसी को भी कॉल मिला देंगे, उससे तेज तेज से बातें करेंगे। कभी तो फ़ोन बिना मिलाए भी ऐसी बात करने लग जाते हैं। और अगर आप लोग भी इस चीज़ के विक्टिम हैं तो तुम्हारे भाई को बताएं, तुम्हारा भाई इसका समाधान देगा, जस्ट DM में, समझे। तो भैया अभी मैं और विक्की भाई जा रहे हैं बाइक राइड के लिए, पता नहीं कहाँ, बट निकलते हैं पहले। क्यों विक्की भाई? चलो तो भैया अभी हम आए हुए हैं गांधी पार्क और यहाँ बारिश होनी शुरू हो चुकी है। अच्छा खासा तुम्हारा मूड होगा तो उसको फक करने के लिए बारिश तो जरूर होगी देहरादून में। कौन सा जानवर है? भाई बारिश ने सारा मूड कर रखा है, कुछ ज़्यादा शॉट क्योंकि पूरा सब गीला हो जा रहा है, कैमरे का लेंस गीला हो जा रहा है बार बार, तो कोई अच्छे से हो नहीं पा रहा है। अभी फिलहाल निकलते ही हैं यहाँ से। तो भैया बाहर से तो आ गए थे और सोचा था बहुत आगे तक जाएंगे, लेकिन कम वक्त बारिश ने हमारा रास्ता फिर काट दिया, तो ज़्यादा आगे नहीं जा पाए। गांधी पार्क तक गए थे, वहाँ भी बारिश हो रही थी और किसी पेड़ वेड़ के नीचे भी बैठने का मौका नहीं मिला क्योंकि सारा कपल उसने ऑक्यूपाई कर रखा था। तो हम सिंगल लड़कों को जगह नहीं मिली, तो हम वापस आ गए, आते हैं कुछ खाया पिया और फिर भीगते भागते रूम को आ गए वापस। और क्या स्ट्रीमिंग की, और अभी इस ब्लॉग को एडिट करते हैं और मिलते हैं आपसे कल। टेक केयर, गुड नाइट।